अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट पुलाव, जो कि हम देगी तरीके से बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त पुलाव होता है और बहुत ही बढ़िया इसका जायका होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले यहाँ पर हम व्हाइट पुलाव बनाने के लिए लेते हैं एक पोटली तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मलमल का एक कपड़ा लेंगे, उसमें डालेंगे हम 2 से 3 तेज़पात के पत्ते जिनको हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, 2 मोटी इलायची, 2 से 3 सिनेमन स्टिक के टुकड़े, 2 टेबल स्पून धनिया, 2 चक्री फूल, 1 जावित्री का फूल जिसको हमने इस तरीके से मसल कर तोड़ दिया है, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून लेंगे यहां पर जीरा। पोटली को चारों साइड से उठाएंगे इस तरीके से कोनों को और थोड़ा ढीला रखकर इसको बांध देंगे। इतनी ढीली होनी चाहिए। अब एक कुकर लेंगे यहां पर, ये पोटली हमने धो दी है अच्छी तरह से, इसके तले में इसको रख देंगे। 2 लहसुन के गांठ ली है हमने इस तरीके से पूरी, इसको रख देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने 2 टुकड़ों में कर दिया है, ये भी रख देंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको स्लाइस में कट कर लिया है, ये भी डाल देंगे। 1 किलो गोश्त लिया है यहाँ पर हमने, बड़े का गोश्त लिया है यानी रेड मीट लिया है, ये यहाँ पर ये डाल देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून और डाल देंगे तो 1.5 टीस्पून यहाँ पर नमक डाला है। 2 से 2.5 गिलास यहाँ पर पानी डाल देंगे, तो यहाँ पर 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसकी लीड लगा देंगे। अब इसको हम रख देंगे गैस पर मीडियम फ्लेम पर और इसमें 4 से 5 विसिल लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर टाइम के हिसाब से आप देखेंगे तो 20 से 25 मिनट हम इसको पकाएंगे। आप अपने बर्तन के हिसाब से इसको गला लें। यखनी यहाँ पर उबल चुकी है, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, तो बोटियां हमने अलग निकाल ली है, पानी को यहाँ पर हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज वगैरह है इसको हम निकाल देंगे इसमें से और पोटली को धोकर इसी में पानी डाल देंगे। गैस के ऊपर एक पतीला रख दिया है, अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप ऑयल और इसको जो है हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े प्याज जिसको स्लाइस कर लिया है, तो ये डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर हम ब्राउन कर लेंगे, यहाँ पर लाइट गोल्डन करना है, प्याज को हमें डार्क गोल्डन नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर प्याज जो है गोल्डन हो चुका है, तो ज्यादा बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है इसको हमें, तो इसमें से लगभग आधा प्याज हम निकाल लेंगे। और इसको फैला देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 3 तेज़पात के पत्ते, 5 हरी इलायची, 1 चक्री फूल और यहाँ पर डाल देंगे 6 से 7 लौंग और 1 टेबल स्पून जीरा। मसाले को हल्का सा हिलाएंगे, यहाँ पर गैस का फ्लेम लो है और यहाँ पर डाल देंगे हम गोश्त। अब गैस का फ्लेम तेज करेंगे और अच्छी तरह से गोश्त को तेल के साथ और मसालों के साथ भूनेंगे। गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है, करीब इसको हो गए 2 से 3 मिनट। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, फिर से इसको भूनेंगे अच्छी तरह से जब तक कि लहसुन अदरक की रो स्मेल निकल नहीं जाती। लहसुन अदरक जब भून जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1/2 कप दही, दही का पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। दही का पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है यहाँ पर, तो 2 टमाटर डाल देंगे यहाँ पर जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाला, 1 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे सफ़ेद मिर्चें, आप चाहें तो काली मिर्चें भी ले सकते हैं। 1 कप मोटा कटा हुआ हरा धनिया लिया है जिसमें से 1/2 डाल देंगे यहाँ पर, करीब 6 हरी मिर्चें जिनको हमने इस तरीके से काट लिया है ये भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून भर के डाल देंगे इसमें नमक, नमक जो है यखनी के पानी में भी है तो अभी यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो गोश्त जो है अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें डालते हैं चावल। यहाँ पर हमने 1 किलो गोश्त लिया है, 800 ग्राम यहाँ पर चावल लिए हैं। तो चावल आप बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन चावल जो है फूल कर ज़्यादा हो जाते हैं तो इसलिए गोश्त थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। तो चावलों का पानी नहीं डालना है, सिर्फ चावल डालने हैं। चावल यहाँ पर हमने गोल्डन राइस लिया है जिसको हमने 1.5 से 2 घंटे तक भिगो कर रखा है। आप यहाँ पर बासमती राइस भी ले सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम यखनी का पानी डालेंगे, तो इसी गिलास से हमने चावल का मेजरमेंट किया था। चावल को मिलाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर गिलास के हिसाब से हमने 2.5 गिलास चावल लिए थे तो यहाँ पर 5 गिलास हमने पानी डाला है। हल्के हाथ से मिलाएं इसको। अब यहाँ पर नमक टेस्ट कर लेंगे, नमक यहाँ पर एकदम सही है, आप यहाँ पर नमक टेस्ट कर लें, अगर कम लगता है तो यहाँ पर डाल दें।
अब यहाँ पर इसे ढक देंगे और हाई फ्लेम पर पकने देंगे इसे करीब 8 से 10 मिनट तक, जब तक कि पानी जो है 80% तक खुश नहीं हो जाता। तो करीब 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर इसको पकते हुए हाई फ्लेम पर। अब गैस का फ्लेम कर देंगे यहाँ पर लो और एक बार हल्के हाथों से इसमें चमचा चला देंगे ताकि चावल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। चावल में चमचा चला दिया है। अब जो हरा धनिया हमने बचा कर रखा था वो इसमें हम डाल देंगे और जो प्याज हमने बचा कर रखा था इसमें से हम प्याज डाल देंगे फैलाते हुए। अब यहाँ पर एक कपड़ा लगाएंगे हम, इसकी लीड लगा देंगे और चारों कोनों को फोल्ड कर देंगे। कपड़े का दम लगाने से जो है बहुत ही अच्छा दम आता है, चावल भी लंबा हो जाता है। अब इसको रखा रहने देंगे यहाँ पर लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट और गैस को बंद कर देंगे। बंद गैस पर इसको 15 मिनट तक रहने देंगे हम और उसके बाद आपको खोलकर दिखाते हैं कि हमारा पुलाव कितना मजेदार तैयार हुआ है। 15 मिनट हो गए हैं गैस को बंद किए हुए, तो चलिए खोलकर देख लेते हैं। खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार है। तो साइड से चमचा ले आते हुए देखें यहाँ पर एक एक दाना खिला खिला बना है, तो इसे सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही खुशबूदार ये बना है और बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये रेसिपी सबको ही पसंद आएगी जब आप अपने घर में इसको बनाएंगे। थोड़ा सा फ्राइड अनियन डाल देंगे इसके ऊपर, तो ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनकर यहाँ पर तैयार है। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, एकदम देख वाला टेस्ट आपको इसमें आने वाला है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।